इंस्टीट्यूट फॉर सिविल फ्रॉम मैथ्स ऑफ प्रोफेशनल आरएसए सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वे अरविंद सिंह आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेरी गुड न्यूज। फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं आज की डेट में इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी सारा फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और जिसके अंतर्गत जो है काफी सारे जो है हाईवेज, चाहे आप स्टेट हाईवेज लीजिए, नेशनल हाईवेज ले लीजिए, इनके ऊपर काफी फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इन पे जो है डेली लगभग जो है 300-400 किलोमीटर की जो है रोड कंस्ट्रक्ट की जा रही है। तो फ्रेंड्स अगर आप हाईवे कंस्ट्रक्शन का कोर्स करना चाहते हैं तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल आपके लिए लेके आया एक सुनहरा मौका, जिसके अंदर हम सिखाते हैं आपको रोड एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडरिंग। रोड की एस्टिमेट करना, बिलिंग करना और उसकी टेंडरिंग करना, प्लस आपको सिखाया जाता है ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन एंड जीपीएस जैसे एडवांस इक्विपमेंट को प्रैक्टिकली, ताकि अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन में जाते हैं वहां पर अगर आपको लैंड सर्वेयर की जॉब मिलती है तो भी आप कर सकते हैं, अगर क्वांटिटी सर्वेयर की जॉब मिलती है तो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ में आपको सिखाया जाता है ऑटो कैड 2D एंड 3D, ताकि आप ऑटो कैड डिजाइनिंग को भी समझ सके। तो फ्रेंड्स एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, खासतौर पर हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए वेरी कह सकते हैं बहुत ही सुनहरा अवसर है अपनी सिविल इंडस्ट्री के अंदर जाने का और इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने का, हाईवे कंस्ट्रक्शन जो कोर्स है हमारा उसके साथ में। तो फ्रेंड्स अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी दिल्ली या उत्तराखंड की ब्रांच में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो के हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वेरी शॉर्ट टर्म कोर्स है फ्रेंड्स ये, और हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है हाईवे कंस्ट्रक्शन का कोर्स, जिसके अंदर क्वांटिटी सर्वे, लैंड सर्वे एंड ऑटो कैड 2D और 3D सिखाया जाता है, और वेरी लोएस्ट कोर्स फीस के अंदर 100% जॉब असिस्टेंस के साथ में, और 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज और ऑटो लेवल टोटल स्टेशन की प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।